नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर से शेरकोट की, जहां बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बसपा समर्थक आयोजन में शामिल होने पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने थामपुर विधानसभा क्षेत्र से हाजी कमाल अहमद को बसपा प्रत्याशी घोषित किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का फूलों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिजनौर प्रत्याशी रुचि वीरा, नेहटौर प्रत्याशी प्रिया सिंह, नूरपुर प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन, नगीना सांसद गिरीश चंद, जिला उपाध्यक्ष नाजिम अहमद अलवी सहित बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने जानकारी देते हुए बताया, चुनावी समय शुरू हो गया है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का संदेश लेकर हम यहाँ आए थे। हाजी कमाल अहमद साहब को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है विधानसभा धामपुर से। आने वाले नोटिफिकेशन जारी जब होगा, इन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, भाई हाजी कमाल अहमद साहब। बहुत सर, क्या लगता है आपको प्रदेश के अंदर, क्या लगता है किसी भाई हाथ में यार भाई ले 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 तो भाई प्रदेश में जी किसानों की आवाज़ को जो दबाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने जी, नौजवानों की आवाज़ दबाने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मजदूरों का आवाज़ दबाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, इस जवाब देने के लिए आज किसान भी तैयार खड़ा है, नौजवान भी तैयार खड़ा है, मजदूर भी खड़ा है। यहाँ तक हर समाज हर धर्म अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रहे हैं। जवाब देने के लिए तैयार है, कब चुनाव हो शुरू हुए और हम उनको जवाब दें। सर सवाल तो ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि किसानों के बारे में, सबके बारे में, ये समाजवादी पार्टी भी यही बात कर रही है सर, तो ऐसे में क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपके टक्कर में रहेगी, क्या होगा? मैं आपको बता दूँ, अगर टक्कर में होती तो समझौते जो इतने करते पड़ रहे हैं वो समझौते नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी का हर विधानसभा में 50 से 60 हज़ार वोट है, जो सुबह 11 बजे डल जाता है। पावर बहुत है, आप जिसकी देख लेना, पांचवी बार इस प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश की बनने जा रही है। और इस बार हम लोग बहुत बड़े तादाद में 250 सीटें लेकर आएंगे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।